हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मिल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज हम अपने सेकंड वीडियो के अंदर, कल जो वीडियो के अंदर है मानव भूगोल के इकाई फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको इकाई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में बताऊंगा। जो इकाई थर्ड है वो है मानव प्रजाति। देखिए, ये हमारी इकाई थर्ड है मानव प्रजातियों के संबंध में है, लेकिन आप विशेष तौर से इस बारे में ध्यान रखिए कि मानव प्रजातियां, मानव जनजातियां दोनों अलग अलग होती हैं। ह्यूमन रेसेस एंड ह्यूमन ट्राइब्स दो अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग ही होते हैं। मैंने पिछले साल को 2020 के 19 के पेपर को छोड़कर पिछले साल जितने भी पेपर हुए, जनरल व्यास यूनिवर्सिटी के पेपरों का जब अपन अध्ययन करते हैं, तो मैंने पाया है कि उसमें से मानव प्रजातियों के प्रश्न ना पूछ करके मानव जनजाति पूछा हुआ है, जबकि आप देख रहे हो कहीं पर भी मानव जनजाति हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमारे मानव जनजाति नहीं है, हमारे सिलेबस में मानव प्रजाति है। तो इस प्रकार से यदि मानव जनजाति का प्रश्न क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है तो गलत है, और इसमें हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। एक्चुअली हमारे मानव प्रजाति है सिलेबस में, ह्यूमन रेसेस है। तो इकाई थर्ड है मानव प्रजातियों से संबंधित है। मानव प्रजातियों में क्या विशेषता होती है? प्रजाति, प्रजाति कहते किसको हैं? सारे मानव एक जैसे होते हैं? सारे अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं तो उनमें जो उनमें विभाजन का जो आधार है वो क्या होता है? अलग अलग जो हमारे भूगोलविद हैं, विभिन्न प्रकार के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, या विभिन्न प्रकार के जो समाजशास्त्री हैं, उन लोगों ने मानव प्रजातियों के अलग अलग आधार बताए हैं। मानव की उत्पत्ति के स्थान पर अलग अलग बताया है, किसी ने मध्य एशिया, तो किसी ने दक्षिण अफ्रीका को बताया है। कि मानवों को अलग अलग करने के लिए किसी ने बाल का आधार लिया, किसी ने त्वचा के रंग का आधार लिया, किसी ने नाक की आकृति, किसी ने सर की आकृति, किसी ने कपाल धारिता को आधार बनाया। तो अलग अलग जो भूगोलविद हैं, समाजशास्त्री हैं, उन लोगों ने अलग अलग आधारों पर इसका विभाजन किया है। तो इकाई तीन में मानव प्रजातियां वर्गीकरण का आधार, यानी विभिन्न प्रकार के जो भूगोलविद हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने किस आधार पर मानव को विभाजित किया है? तो सबसे पहला वर्गीकरण का आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसमें कोबर का, हेडन का और ग्रिफ्ट टेलर का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण के अंदर हमें तीन जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे भूगोलविद हैं उनके बारे में हमारे को इसको अध्ययन करना है। तो कोबर का अध्ययन है, एक हेडन का है और एक ग्रिफ्ट टेलर का है। दूसरा जो इसका भाग है इकाई का, वह जनसंख्या, विश्व में वृद्धि, वितरण तथा घनत्व। अब देखो, इकाई तीन भी दो भागों में विभाजित हो गई, एक आधार हो गया मानव प्रजातियां और दूसरा हो गया आपकी जनसंख्या। जब क्वेश्चन आएंगे आपके, बड़ा क्वेश्चन तो अथवा में आएगा, तो आप देखिए कि एक क्वेश्चन ऊपर वाले पोर्शन में आएगा, एक नीचे वाले पोर्शन में से, या नीचे वाले भाग में से आपसे पूछा जाएगा। तो जनसंख्या में वृद्धि, वितरण तथा घनत्व, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पिछले साल कम से कम पूछा जा चुका होगा। तब आपके पास में दो क्वेश्चंस इसमें से बचेंगे, दो में से एक क्वेश्चन आपके आना है। इसलिए आपके इकाई तीन के अंदर जनसंख्या, विश्व में वृद्धि, वितरण का घनत्व है, इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे पर्सन जनसंख्या, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब अर्थ होता है, भारत की या विश्व की जनसंख्या वृद्धि वितरण, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आसान पोर्शन है आपका, क्योंकि जनसंख्या के बारे में आप लगभग छठी क्लास से अध्ययन करते आ रहे हैं। छठी क्लास से ही आप लगातार जनसंख्या के बारे में अपना अध्ययन करते रहते हैं, इस कारण आपसे जनसंख्या वाला ये जो पोर्शन है वो आपके लिखने और पढ़ने और करने के अंदर बहुत आसान रहेगा। इकाई चार है, चार मानव अधिवास, मानव के आवास, विभिन्न प्रकार के आवासों का समूह उसका अधिवास कहलाता है, सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो चौथी इकाई के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट्स का अध्ययन किया जाता है, स्थिति क्या है उनकी, आकृति क्या है, क्या उनका प्रकार है,
और भारत के विशेष संदर्भ में ग्रह के प्रकार। तो ये पोर्शन भी दो भागों में डिवाइड है, मानव अधिवास स्थिति आकृतियों प्रकार, और दूसरा भारत के संदर्भ में ग्रहों की स्थिति। देखो प्रत्येक स्थान पर जो सेटलमेंट होता है वर्तमान समय में, तो आधुनिक टेक्निक के कारण आपके जो सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर पर्यावरण का प्रभाव कम पड़ने लगा है, लेकिन पुराने समय में जो सेटलमेंट होते थे वो प्रकृति से सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे। तो अलग अलग स्थानों पर किस किस प्रकार के सेटलमेंट बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से अपनी प्रकृति से प्रभावित हैं, अपनी प्रकृति से कौन कौन सी सामग्री वो प्राप्त कर रहे हैं, इन सब का जो अध्ययन है वो मानव अधिवास में किया जाएगा। फिर भारत के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाएगा, भारत के रेगिस्तान के अंदर, असम के अंदर, यानी अलग अलग क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी भागों में, नदियों के किनारों पर, नहरों के किनारों पर, अलग अलग स्थानों पर किस किस प्रकार से जो सेटलमेंट्स हैं वो बने होते हैं, उनका जो अध्ययन है वो इसमें किया जाएगा। पांचवी का ये वो नगरीकरण से संबंधित है, नगरीकरण अर्बनाइजेशन। नगरीकरण का अर्थ क्या है, नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि क्या है, और नगरीकरण के कारण क्या है। विश्व के प्रमुख जनसमूह यानी संसार के अंदर पांच ऐसे समूह क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का बहुत बड़ा अधिक जमावड़ा पाया जाता है, उन्हें जनसमूह कहा जाता है। उन पांच जनसमूहों का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। भारतीय नगरों का प्रयोगात्मक वर्गीकरण, तो विभिन्न प्रकार के जो नगर होते हैं उनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। हमारे सिलेबस में जो है वो है नगरों का कार्यात्मक या फंक्शनल वर्गीकरण, कार्य के आधार पर नगरों का विभाजन। तो कार्य के आधार पर लगभग 10 नगर बताए गए हैं, आजकल कुछ किताबों में 13 नगर भी बताए गए हैं। तो व्यापारिक नगर, औद्योगिक नगर, शैक्षिक नगर, इस प्रकार से नगर जो हैं उसमें किस कार्य की जो बहुलता है उस बहुलता के आधार पर उस नगर को उसका नाम दे दिया गया है। तो उसका अध्ययन भी हम कहाँ पर करेंगे, इस इकाई 5 में करेंगे। फिर गंदी बस्तियां, उनसे जुड़ी समस्याएं। वर्तमान समय में शहरों के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या गंदी बस्तियां हैं, उनसे जुड़ी समस्याएं हैं। ओवर पॉपुलेटेड जो बस्तियां हैं जहाँ जगह कम है, जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, इस प्रकार की जो आपकी बस्तियां हैं वो शहरों के अंदर जो लोग रोजगार की तलाश में बाहर से आते हैं, रहने के स्थान नहीं होता, पूंजी नहीं होती, तो लोग ऐसे ही सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, रेल की लाइनों के किनारे बसना शुरू कर देते हैं, और वो धीरे धीरे जो अलग अलग प्रकार की जो झोपड़ियाँ होती हैं वो एक तरीके से बस्ती का रूप धारण कर लेती है, और वहाँ पर वो एक तरीके से हमारे शहरों के लिए एक धब्बे के रूप में कार्य करती। वहाँ रहने की सुविधा नहीं होती, आवासीय सुविधा नहीं होती, विभिन्न प्रकार के जो अत्यावश्यक सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, मकान, इस प्रकार की सुविधाएं उनको नहीं मिलती, तो बहुत ही बड़ी अनकंडीशन स्थिति में वो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उसके बारे में विशेष तौर का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। फिर भारत के संदर्भ में नगरीकरण की समस्या और उपचार, ये तो है सामान्य बात। एक विशेष तौर से भारत के संदर्भ में, यानी उसी प्रकार की जो समस्या है नगरों के अंदर, क्या समस्या होती है नगरों के अंदर, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। अधिक जनसंख्या एक समस्या है, कानून की एक समस्या है, रोजगार का अभाव एक समस्या है, जनसंख्या घनत्व एक समस्या है, लगातार नगरों का वृद्धि एक समस्या है, जन सुविधाओं का अभाव एक समस्या है, कानून सांस्कृतिक जो प्रदूषण है वो एक समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है। इस प्रकार से नगरों में अनेक प्रकार की जो समस्याएं पाई जाती हैं, उन समस्याओं का जो अध्ययन है वो भी किसमें किया जाता है, इस इकाई के अंदर हम लोग करेंगे, और उनका उपचार क्या हो सकता है। यानी जो समस्या तो हमारे सामने है ही, लेकिन उन समस्याओं को कोई ना कोई हल तो होगा ही, या हल करने की हम किस प्रकार से उनको कोशिश कर रहे हैं, उसका अध्ययन हम इकाई 5 में करेंगे। यानी नगरों का जो संपूर्ण अध्ययन है वो इकाई 5 में किया जाएगा। नगर कहते किसे, नगरों की वृद्धि से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से नगरों का वर्गीकरण किया गया है, नगरों के अंदर क्या क्या समस्याएं होती हैं,
एक बहुत बड़ी समस्या कच्ची बस्ती समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या उपचार कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका अध्ययन हम करेंगे इकाई 5 के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो बीए बीएससी पेपर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है, उसके अंदर आपके 5 इकाइयां हैं और इन 5 इकाइयों में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कुछ बुक्स हैं वो आपके यहाँ बताई हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हो एच डी कौशिक साहब की बुक है, एम के और बी एन सिंह की बुक्स है, अच्छी बुक्स हैं दोनों, माजिद हुसैन साहब की ह्यूमन ज्योग्राफी, माजिद हुसैन साहब की बुक आजकल हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी है, दोनों में है, मामोरे साहब की बुक है प्रिंसिपल ह्यूमन ज्योग्राफी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप कोई भी एक अच्छी बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।